हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टरी प्रो, जहां हम चार्ट का एनालिसिस करके बाजार को समझते हैं। आप एक शुरुआत करने वाले हैं या आप ट्रेडिंग में मास्टरी कर रखे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ट्रेडिंग का स्किल आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। इसमें हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और मोस्टली हम लोग ऑप्शन बाइंग पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, जिसमें कि आपको एक सही एंट्री कब लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक मोमेंटम के साथ ट्रेड करना पड़ता है जिससे कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो इसके लिए पहले हम लोग जो फोकस करेंगे, कॉल पुट दोनों चार्ट को लगाएंगे, साथ में मेन चार्ट को लगाएंगे, तीन चार्ट एक साथ में, सभी का टाइम फ्रेम 5 और 15 मिनट पे स्विच करके एनालाइज करेंगे कि कब मार्केट में मोमेंटम आता है, क्या इंडिकेटर हम लोग यूज करने वाले हैं। वो यहाँ पे देखिएगा तो ये 9:15 का कैंडल जब ओपन होता है, इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता और प्रीवियस डे का ये हाई होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ दूसरा कैंडल भी बनाता है, उतना अच्छा बुलिश नहीं, एक कैंडल आता है लेकिन ये भी सस्टेन नहीं करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेलर का जोन यहाँ पे बना हुआ है। हमारा सेट ऑफ माइंड ये रहेगा कि अभी ये नीचे का ट्रेड देखे, एक अच्छा सा कैंडल ये बनाया नीचे की तरफ, और ये हमारा जो EMA है, ये मेरा 5 मिनट का 5 EMA है, हमारा 5 कैंडल का सॉरी, तो ये EMA को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा सा हैमर बना हुआ है, हैमर वो भी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इन्वर्टेड जब हैमर बना हुआ तो हमारा एक ये एंट्री अगर नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कैंडल क्या बनने वाला है 15 मिनट में। सेकेंड कैंडल यहाँ पर एंट्री अगर हम लोग लेते हैं तो एक अच्छा हमारा प्रॉफिट वाला जगह था, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो है हमारा 30 का प्राइस पे अगर एंट्री लेते तो हमारा SL काफ़ी छोटा जा रहा था, 23 पे अगर इसको हम मेजर करके देखें तो टोटल हमारा 7 से 8 रुपया का SL जा रहा था। लेकिन अगर इसमें हम लोग प्रॉफिट कैप्चर अगर करते, ठीक है, तो एटलीस्ट 50% का कर सकते थे, इट मीन्स कि 17-18 रुपीस के हम लोग यहाँ पे कैप्चर करते। बाय द वे, अगर किन्हीनों यहाँ पे अगर आपने मिस किया होगा, फिर जो फोमो में आकर लोग एंट्री लेते हैं वो एंट्री हमें नहीं लेना है, फिर से इंतज़ार करना है रिट्रेसमेंट का। और ये वाला जोन रिट्रेसमेंट का अगर यहाँ पे हम लोग अगर इसको यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आपको एक सटीक एंट्री पॉइंट देखो कहाँ पे बनता है, ठीक है, ये आया यहाँ पे, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है 0.5 है और यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया है, 0.5 का ब्रेक नहीं करने के कारण हमारा एक और एंट्री बनता है, और ये एंट्री कुछ ऐसा रहता है कि हमें प्रॉफिट दिला सकता है। कैसे, आप देखो यहाँ पे ये 0.5 पे ये वाला जो हरा लाइन है, ये 0.5 का है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे अगर इसको बुलिश कैंडल नहीं ब्रेक करता है तो मैक्सिमम चांस होता है कि ये नीचे की तरफ गिरे। और ये जो कैंडल एक बना है वो काफ़ी अच्छा बना है, ठीक है, तो ये एक आप देखिए ये कैंडल, यहाँ पे हम लोग अगर एंट्री नहीं लेते हैं, अगर सेफ साइड में चलते हैं, ठीक है, तो फिर एक और एंट्री हमारा बन रहा है, ये पिविट पॉइंट का S1 एरिया है, जो कि काफ़ी अच्छा मानते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड एंट्री लेने के लिए। अगर ये 5 मिनट का चार्ट पे देखें तो काफ़ी अच्छा वो बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट पे देखें तो आपका ये एंट्री काफ़ी अच्छा बन रहा था। वेट ये देखो, अब ये 5 मिनट के एंट्री कुछ ऐसा था कि ये जो एक कैंडल है, ये कैंडल काफ़ी बुलिश कैंडल है, ठीक है,
और ये बुलिश कैंडल है इस कारण से हमारा थिंकिंग ये रहेगा कि ये कैंडल के बाद एंट्री लेने के लिए, ठीक है, ये अगर यहाँ पे अगर SL की बात करें तो हमारा SL यहाँ पे बन रहा था कुछ वही 6 रुपया का, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो वही आपको 8-10 पॉइंट का SL देना ही पड़ेगा जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी सेंसेक्स या बैंक निफ्टी हो, तो इसमें तो आपको उतना झेलना ही पड़ेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि ये ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं आप एंट्री बना सकते थे, दो तीसरे कैंडल पे तो दूसरे के बाद तीसरे पे एंट्री बना सकते थे, जो कि अगर देखा जाए तो SL काफ़ी छोटा था यहाँ पे 7-8 पॉइंट का, यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं तो इसका आप अगर देखा जाए तो ये वाला हाई का आप टारगेट ले सकते थे जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट था जो कि अचीव होना ही था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट चलता है और यहाँ तक जाता है, इवन ये जो ट्रेड लाइन था प्रीवियस का इसको फॉलो कर रहा था और ये आपको 15 मिनट पे देखो कितना अच्छा बन रहा था, ठीक है। तो हमें वेट करना है, वेट करने से ये होता है कि यहाँ मेन चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ 0.5 का रिट्रेसमेंट लेने के बावजूद भी यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है, कैंडल यहाँ पे फेल हो रहा है, जिस कारण से हम लोग एक तो EMA के नीचे में है और बॉलिंजर बैंड जो इंडिकेटर हम यूज किए हैं, बॉलिंजर बैंड के मीडियन से जब नीचे आता है तो एक कैंडल दो कैंडल काफ़ी अच्छा होता है। और एक चीज़ आप देखना, कभी भी गौर करना कि जब भी मार्केट चलता है ना तो 2-3 कैंडल आप देखोगे साथ में चलता है, ये वाला आप देखो एक कैंडल दो कैंडल तीन कैंडल, तीन कैंडल रेड बनाता है, ये काफ़ी अच्छा बियरिश कैंडल जिसको बिग बार बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बोलते हैं या इसको बिग बार ही बोलते हैं, तो ये बिग बार के बाद एक अच्छा डाउनफॉल दिखता है बहुत अच्छा। तो इसमें अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो एक 15 मिनट का अगर होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे कैप्चर, सॉरी बुरा बड़ा कैप्चर हो रहा है यहाँ पे सीधे 60% 60-65%। तो इस तरीके से हम लोग वेट करके ट्रेड अगर लेते हैं तो काफ़ी, अगर मूवमेंट रहेगा मार्केट में ट्रेंड रहेगा तो हमेशा आप बना पाओगे एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग एनालिसिस करेंगे, मंडे को हमारा बैंक एक्स और मिड कैप का एक्सपायरी रहता है तो एक्सपायरी पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा एंट्री बन रहा था और उसका भी एनालिसिस करेंगे इवनिंग के टाइम पे। और मोस्टली आप फोकस करना ना कि ये जो कैंडल बनता है ये काफ़ी फेवरेट कैंडल मेरा है, आप हो तो इस पे पहले अपना खुद से प्रैक्टिस करना उसके बाद देखना ये जो कैंडल बनता है ना काफ़ी अच्छा होता है। आप 5 मिनट पे देखना क्या मस्त यहाँ पे एंट्री देता है, ये एक्चुअली है ना कि आप प्रॉफिट बना लिए मॉर्निंग में तो लास्ट में हीरो ज़ीरो के लिए आप कुछ अमाउंट रख सकते हो। ये कैंडल बना ठीक है 5 मिनट पे, हाई मारा इसका 30 रुपीज़ का और ये आकर क्लोजिंग दिया है कितने पे 8.90 रुपया, मतलब मान लो 9 रुपये पे। अगर आप एंट्री यहाँ पे बनाते हैं ठीक है तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, इट मीन्स कि 10 रुपया का जो था वो 20-27 तक, मतलब डबल यहाँ पे आप कर सकते हैं इजी वे में। ये वन गो है और इसमें अगर आप देखोगे ना कभी कभी तो 5 times, 6 times, 10 times इवन मिलता है। तो लास्ट में इसको हमेशा ट्रेड नहीं करने का है, जब मार्केट ट्रेंड में रहे और आपको प्रॉफिट बना हुआ है आफ्टरनून में मॉर्निंग में तो फिर इस चीज़ को आप सोच सकते हो ट्रेड लेने के लिए ठीक है। और ये कैंडल पे लेना, ये 5 मिनट पे स्विच करना 3:30 से 3:05-10 तक ये कैंडल बनता है ठीक है,
और ये एक्सपायरी के दिन जरूर बनता है। आप एक बार रिटेस्ट करना, वन वीक करना, उसके बाद इंट्रिक लेना। एक का डबल का यहाँ पे वन शॉट में आप ले सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।